ये जो मेरे दोनों कजन है ना आपस में लड़ते ही रहते हैं दोस्तों। एक कंपटीशन करते हैं भाई जी यार। काश हमारा घर भी यहाँ होता, हमने भी खेलना था। ये आप देख सकते हैं यहाँ से लकड़ी डालते हैं, इसको जलाते हैं और इसका जो धुआं है इस पाइप से होके बाहर निकल जाता है। कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही मर्दानी लड़की लग रही है, दाढ़ी मूंछों वाली। So hey guys, what's up? This is Sanjay Chauhan. This is Ajay Chauhan, my brother. Hello. Welcome back to another vlog. तो दोस्तों पिछला ब्लॉग आपने देखा था कि हम गए थे मेरे ननिहाल साइड, एक शादी अटेंड की हमने, फिर हम शाम को वहाँ से वापस आ गए थे क्योंकि भाई जी को कुछ इम्पोर्टेंट काम था कुल्लू में, तो हम कुल्लू आ गए। तो अभी हमारी जो मम्मी है ना वो हमारे ननिहाल में ही है, तो आज हमने उनको पिक करने जाना है वापस, आज शाम तक हमने घर पहुँचना है किसी भी हालत में। और मम्मी जी के कुछ पार्सल्स भी थे जो कुल्लू में आ रहे थे, तो वो भी हमने पिक कर लिए हैं आज, ये भी लेने थे। और अभी हम काफी ज्यादा लेट हो गए हैं, मम्मी जी सुबह से कॉल किए जा रहे हैं कि जल्दी आओ क्योंकि उनको कुछ एक जगह घूमनी भी है वहाँ पे, तो हमें जल्दी पहुंचना होगा वहाँ पे वरना हम बहुत डांट सुनेंगे। और हमने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, हम कहीं रुकने भी नहीं वाले ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि हम वहीं पे करेंगे ब्रेकफास्ट, है ना। तो भाई जी स्टार्ट कर, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों धूप क्या मस्त लगी हुई है आज बाहर, एकदम बढ़िया वाली। तो गाइस फाइनली मेरी नानी के वहां पहुंच गए हम। इतनी जोर से कहाँ फेंक रहा है दरवाजा, तो ये मेरी मर्जी। तो चलिए गाइस पहुंच गए हम यहाँ पे, खाया भी नहीं है सुबह से, कुछ खाते हैं पहले तो। नमस्ते। नमस्ते। और ठीक है, यहाँ क्यों बैठे हम? धूप से। धूप से कहाँ? अच्छा बाकी कहाँ है? प्रिया कहाँ है? रोहन भी अंदर ही है। हाय हाँ भाई, मैंने सोना था। तो लेट सोए थे, 6-7 दिन से ट्रैवल ही कर रहा हूँ। नमस्ते। चल अंदर चल भाई जी। मेरी दिल की चाह तुम का तू। नमस्ते। ठीक है, आलू की कड़ी है, बोल दो मुझे आलू की कड़ी है। आलू की कड़ी है, कीना बनवाई है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, स्पेशल बनवाई है। वो कहाँ है प्रिया और रून? रूम में करे। क्या कर रहे हैं? रुक जाए एक वो दिखा रहा हूँ। इसकी आंखें निकाल दी हुई किसी ने दोनों, कोई बात नहीं। अच्छा एक कमेंट देख रहा हूँ मैं, बड़े टाइम से आ रहा है चूल्हे के बारे में बताओ वाला आपके। तो भाई ये लोहे का होता है, ठीक है ना, इसके अंदर यहाँ से इस तरह से लकड़ी डालते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से लकड़ी डालते हैं, इसको जलाते हैं और इसका जो धुआं है इस पाइप से होके बाहर निकल जाता है। और रोहन भाई ठीक है? बढ़िया, बस बढ़िया है। ओह प्रिया व्हाट्सअप, कैसी है? बस हम भी बढ़िया। कड़ी चाहिए मेरे को, दाल मत देना, आलू की कड़ी है मेरी फेवरेट ना। मम्मी जी ने बोला होगा ये बनाने को। हाँ। नहीं छोड़ देता हूँ मैं सिंक में, तब ओह मैं भूल गया था आपके अजीब और गरीब रूल्स। हाँ, जा वॉशरूम में हाथ धो ले। वॉशरूम में दो सिंक में चले फिर माँ। चलते हैं अब घर की ओर, फिर जाना वहां से हमने सीधे ही पर जलुग्राम। जलुग्राम है वो गांव ना, जहाँ हम पढ़े हुए स्कूल है वहाँ पे। अब तो नहीं वहाँ है, अब बोना वो टूटा फूटा ना, मतलब आपके बचपन का स्कूल। तुम आपको दिखाना है ना वो, तुम दो को कि मैं पढ़ी हुई यहाँ देखो स्कूल। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। हम चले वो स्कूल जहाँ मेरी मम्मी ने पढ़ाई है। पतन वो है अभी कि गिर गया वहाँ पूरा टूटा फूटा तो नहीं होना, अब नहीं है वहाँ पढ़ते बच्चे, अब ऊपर पहले था वहाँ हाई स्कूल। आपको पूरा स्कूल याद है अभी भी? पूरा है कोई याद। चलो गाइस हम थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, अब शूज वगैरह पहनते हैं और बाकियों का वेट करते हैं यहाँ बैठकर। ये जो मेरे दोनों कजन है ना आपस में लड़ते ही रहते हैं दोस्तों, और काम ही नहीं इनको। ओ यार थैंक यू सो मच, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए।
कच्चा रोड है वहाँ को, ठीक रोड है, वो क्या कोई गांव है? गांव में मंदिर? जंगल में है, कुछ भी जंगल में। अच्छा जंगल में मंदिर, मंदिर शक्ल दिखती है पहाड़ में, ये क्या है इसमें होल जैसा दिख रहा है वहाँ पे, देख गुफा सी लग रही है, है ना ऊपर की तरफ को है पर ये। तो दोस्तों ये मेरा कजन है रोहन, ये बोल रहा है कि वो वाली जो पहाड़ी है ना जहाँ पे स्नो है वहाँ पे एक घर है, वहाँ पे रात को लाइट जलती है, एक ही घर है पूरी पहाड़ी में स्नो के बीच में, घर भी नहीं है वो, एक हट टाइप का है वो, पता नहीं भाई इतने ऊपर रहते कैसे लोग, और वो भी बिल्कुल अकेले। दोस्तों मेरे जो मामा है ना वो आजकल घर पे नहीं होते हैं, उनकी शॉप है कुल्लू में, तो वो कुल्लू में ही रहते हैं, तो वो कभी कभी आते हैं यहाँ पे अपने घर, तो इस करके मेरे मामा नहीं है यहाँ और मामी भी नहीं है, तो सिर्फ मेरी नानी है और कजन्स है मेरे कुछ एक, और ये भी आज जा रहे हैं अपने स्कूल के लिए, ये भी पढ़ते कुल्लू में है तो आज जा रहे हैं कुल्लू, तो ऐसा सीन है। कल तक निकल जाएंगे मंजी, हम लेट हो जाएंगे हम, फिर कब जाना उस मंदिर, कब क्या करना, कितनी प्यारी लग रही है बहुत ही मर्दानी लड़की लग रही है, दाढ़ी मूंछों वाली, व्हाट अ लिटिल क्यूटी। ओक सब आप फिर गोगड़ा दे बुझी है इस पेट से आना बुझी अंडा अंडा तेज भाई एक टांगी से को तो नहीं पता ही लग रहा है ना, बोल रहे कि यहाँ पे कहीं इस पहाड़ी में ना इंसान दिख रहा है इनको, बट मेरे को नहीं समझ आ रहा है कहाँ जैसे दिख रहा है, नानी जी बता रहे हैं। ओ गाइस पीयू को जो मेरे मामू की बेटी है इसको थोड़े चक्कर आते हैं तो इसको मैं आगे बिठा रहा हूँ। यहाँ देखिए गाइस सेब के प्लॉट, करोड़ों का माल निकलता है हर साल, पैसा ही पैसा होगा। तो बस भाई मैंने बताया था ना एक मंदिर जाना है मम्मी को, तो यहाँ से कहीं है वो, पता नहीं अब कहाँ है। अच्छा यहाँ से, हाँ तो गाड़ी यहाँ लगा दी है, बता रहे कि बहुत सुंदर जगह है, चलो दिखाता हूँ आपको। तो जो मेरा ननिहाल है वो जरी में है, और जरी कसोल से 4-5 किलोमीटर पीछे है। बींग इन पार्वती वैली इस जगह की सुंदरता बहुत अप्रिशिएबल है। जाओ पर ये क्या हुई, एक कंपटीशन करते हैं भाई जी यार, तो कर रहे ना मेरे को सपोर्ट, पकड़ो चेयरमैन इसका ज्यादा प्यारा, चलो ओए इसने तो ज्यादा पकड़ ली, ओ भाई ओए तू आ भी गया, हेलो अरे यार से ज्यादा सही था चीटिंग है गाइस, यहाँ से ज्यादा अच्छा था चढ़ने के लिए, ओए कहाँ था आगे से ज्यादा अच्छा चढ़ने के लिए। लूजर मैं अभी इसमें बचा था, देखा ही नहीं तुमने ना मेरे साथ भी हुआ सही। निकले और ऊपर तो नहीं जाना, नहीं हो नहीं बस तू जा अब। गाइस मेरे को वर्टिगो है, फियर ऑफ हाइट। जिस टाइम हम छोटे थे ना स्कूल में पढ़ते थे, हमारी है बुआ यहाँ, हम आते थे बुआ के पास ना, उस टाइम आते थे हमारे साथ के बच्चे यहाँ पे खेलने, यहाँ होती थी बुआ शोर शराबा, अब तो है ही नहीं, पेड़ में चढ़ना छोटे छोटे बच्चे खेलते थे मतलब यहाँ पे, हम सोचते थे काश हमारा घर भी यहाँ होता, हमने भी खेलना था, वो देते झूलने चलो वाले पर दिखाती हूँ तुम्हारे को, गिर भी सकते हो भाई, फुटबॉल या वॉलीबॉल या बास्केटबॉल कुछ दिख रहा हूँ, ये यहाँ देखना, यहाँ देखना इंडियन स्पाइडरमैन,
ओ भाई लोहे की त्रिशूल देखो कितनी सारी है यहाँ पे। ये लोहे का देवता, इसको चाहिए होता लोहा भाई। लोहे की देवता है, इनको दान में लोहा चढ़ाया जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मतलब मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वो वेब सीरीज नहीं होती है वैम्पायर और वुल्व्स वाली, जैसे ट्वाइलाइट हो गई या वैम्पायर डायरीज हो गई, ऐसे जंगल दिखाए जाते हैं ना। वो भाई ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ देखो चारों ओर जंगल ही जंगल, एकदम ऑसम फीलिंग आ रही है। यहाँ देखो भाई ऊंचे ऊंचे पेड़ लग रहा है ना, एकदम ऑसम गाइस। क्या हमें यहाँ पे रह के इससे भी ज्यादा ऑसम लग रहा है जितना आपको देखने में लग रहा है ना, वो कुछ नहीं है। अगर आप खुद यहाँ आओगे तो भाई बहुत ही ऑसम लग रहा है। देखो जरा ये देखो, तो दोस्तों ये वाला जो घना जंगल आप देख रहे हैं ना, इसी जंगल के बीचों बीच वहां सामने एक मंदिर है, जिस मंदिर के पास हम आए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये रहा वो मंदिर, तो चलिए आपको दिखाते हैं। थैंक सो मच। ये पीछे वाला ये झाड़ देना जरूरी था। रिंकी आके पापा। यहाँ पे इतनी अच्छी और इतनी स्पिरिचुअल फीलिंग आ रही है ना, जंगल के बिल्कुल बीचों बीच ये वाला मंदिर बनाया हुआ है, और इतने बड़े बड़े पेड़ जो कि कई सौ साल पुराने पेड़ हैं, और कई सौ साल पुराने इन पेड़ों से घिरा हुआ है। इनकी खुशबू बहुत ही कमाल की गाइस, अगर आपको पता है इनको बोलते क्या है। बोधी, वो तो लोकल में बोलते होंगे ना, साइंटिफिक नहीं, कॉमन नेम करो जो जनरली बोला जाता है हिंदी में। और फिर ये क्या है गाइस, जो ढोल वगैरह बजाते हैं। अच्छा, जय महादेव। वो जंगल है जहाँ पे मतलब जब मम्मी जी का बचपना था ना, तो इनके गांव के सभी बच्चे आके खेला करते थे। मम्मी जी हमें आज अपनी यादें दिखा रही हैं यहाँ पे, और जहाँ जहाँ मम्मी जी बचपन में जाया करती थी वो चीज़ें दिखा रहे हैं। हमारे नानी के घर से बस थोड़ी सी दूर है ये जगह, तो हमारे कजन्स यहीं रहते हैं, तो ये तो आते ही रहते हैं, बट मैं और भाई जी आज देख रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। कितने साल बाद आए आप यहाँ? मैं आती हूँ हर साल, यहाँ हर साल आते हैं। जब माता के पास आती हूँ। अच्छा, हमारे को ही दिखा रही हैं आप आज। हमारे को दिखा रही हूँ, ये जो ट्रेन है पर देखो। कौन सी ये? चिन अप्स करूँ मैं? 100 से नीचे नहीं रुकना है। 200। देखो गाइस यहाँ पे जितने भी विलेजेस है ना, कितने सुंदर लगते हैं देखने में। ये आप देख रहे हो, ये मंदिर है यहाँ का, इस गांव का। यहाँ देखिए गाइस, मेहनत हो रही है पहाड़ों में, मतलब कितने ऊपर ऊपर तक घर बनाए हुए हैं लोगों ने। नहीं आगे रोकने को नहीं होगा भाई। ठीक है, ठीक है, बाय, मिलते हैं। ओके, थैंक यू, ठीक है ब्रो, मिलते हैं, मिलते हैं, गुड मीटिंग यू। ओके, बाय बाय। शादी में मैं भी आगे चला जाता हूँ बैठने। तो गाइस चले गए हमारे कजन्स भी, अब हम तीन ही बचे हैं, अब हम तीनों ने भी घर निकलना है, तो चलिए चलते हैं। मम्मी जी सो गए भाई, सपने में भी मेरे को ही डांट रहे होंगे, आई एम श्योर। तो गाइस फाइनली शाम के समय मैं पहुंच चुका हूं अपने घर, अपने होम स्टे पिन पार्वती ग्रेट हिमालयन होम स्टे में। तो चलिए चलते हैं अंदर, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में आपने जो भी देखा कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।